टाटा मोटर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लगती है क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड को अप टू डेट रखने के लिए, उनकी डिमांड्स को पूरा सप्लाई करने के लिए हर महीने टाटा मोटर्स कुछ ना कुछ लॉन्च करती रहती है। और अब उनकी लेटेस्ट लॉन्च है द टाटा एल्ट्रोज DCA, दिस इज दी ऑटोमेटिक ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे हीटिंग इशू के बारे में, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि इसके और क्या क्या फीचर्स है, ये कैसे अपने कंपटीशन से बेटर है, या वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, रिस्पॉन्सिव है या नहीं, किस तरह की इसकी ट्रांसमिशन है। और उसके साथ साथ कुछ वर्ड्स बता दूँ, मशीन लर्निंग, सेल्फ क्लीनिंग, 1 सेकंड में 4 बार गियर शिफ्ट करना, सब कुछ इस वीडियो के बीच में डिस्कस करने वाला हूँ। कन्फ्यूज में तो डोंट वरी, सब कुछ डिस्कस करूँगा, सब कुछ आपको समझाऊँगा क्यों एल्ट्रोज DCA एक स्पेशल व्हीकल है, क्यों एल्ट्रोज DCA एक आपको व्हीकल जो है ऐसा जो कंसिडर करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है ऋषभ और आज है हमारे पास दी एल्ट्रोज DCA हमारे कंप्लीट ड्राइव रिव्यू के लिए। सबसे पहले तो थैंक यू टाटा मोटर्स हम इंडियंस को ग्लोबल एनकैप 5 स्टार की एक लौती प्रॉपर ऑटोमेटिक हैचबैक देने के लिए, दो टाटा एल्ट्रोज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो डेफिनेटली एक इस सेगमेंट में एक कमाल की गाड़ी आ गई है। सबसे बड़ा कंसर्न रहता है यहाँ पर हीटिंग इशू का, उसका क्या, देखो जो पहले मार्केट में आई थी सेल्टोस की अगर हम यहाँ पर बात करें, नई नई आई थी, तो हीटिंग इशू को लेके काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स थी, स्पेसिफिकली जब रशी एरियाज़ में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में व्हीकल फंसता था। हालांकि वो था ड्राई क्लच असेंबली में, जैसे क्रेटा में है, जैसे i20 में, तो वहाँ पर हीटिंग इशू कहीं ना कहीं आ जाता है। ये है वेट क्लच असेंबली बेस्ड, इसका मतलब यहाँ पर प्रॉपर कूलिंग की जाती है और वो भी एक्टिव कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ, तो उसकी वजह से इसकी जो हीट को लेके रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और आपको हीट अप का इशू जो आएगा वो नहीं आएगा। हाँ, जो DSG है स्कोडा फॉक्सवैगन की, वहाँ पर भी वेट क्लच असेंबली, इसलिए वहाँ पर भी हीटिंग का इशू वहाँ पर नहीं आता, तो वही आपको जो टेक्नोलॉजी है असेंबली है वो आपको टाटा एल्ट्रोज में भी मिल रही है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आपको चाहिए किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स, डोंट यू वरी, बुडमो इज द राइट चॉइस फॉर यू। छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी तक अलग अलग मैन्युफैक्चरर से आपको स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन दोनों अवेलेबल हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, चेकआउट करें budmo.com, बिकॉज वहां पर आपको रिटर्न्स की ऑप्शन भी मिल जाती है और हर गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स, तो स्पेयर पार्ट्स के एक्सपर्ट्स कौन है, बुडमो। आपके मन में एक कन्फ्यूजन और होगी कि DCA और DCT में क्या फ़र्क है, पहले तो आपको बता दो कि दीज आर सेम, टेक्नोलॉजी वाइज सेम है, बट टाटा ने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हैं, तो ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन वैसे सेम आते हैं, लेकिन टाटा ने कुछ एडिशनल फीचर्स दिए हैं जैसे कि मशीन लर्निंग, ये अपने एल्गोरिदम के साथ, AI एल्गोरिदम के साथ सीखती है, समझती है, लर्न करती है इसकी मशीन कि कैसे पर्सन ड्राइव करता है और उस अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से उसको अडेप्ट करके अपनी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और बेटर बनाती है, तो है ना ये कमाल की बात। उसके साथ साथ आपको एक सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिल जाती है। देखो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को सबसे ज़्यादा जो डैमेज मिलता है, या हम जब कहते हैं ना उनकी रिपेयर बहुत महंगी होती है कुछ एट्सेट्रा, तो वो डैमेज ज़्यादा कहाँ से मिलता है, डस्ट से, तो इसमें आपको डस्ट प्रोटेक्शन प्रॉपर एक फ़िल्टर दिया जाता है जिसकी फिल्ट्रेशन होती है और उस चीज़ को क्लीन रखा जाता है कम्प्लीटली, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस चलता है अंदर, तो उस वजह से जो ट्रांसमिशन की लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा आपको इश्यूज़ वहाँ पर नहीं आते हैं। अब इसके ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के बारे में छोटे से फैक्ट्स, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन होता क्या है, इसमें सिंपल से बताऊंगा कि एक ही टाइम पे 2 गियर इंगेज होते हैं, अगर आप सेकंड गियर पे गाड़ी चला रहे हैं तो फर्स्ट और थर्ड हमेशा रेडी है, जिसकी वजह से जो गियर शिफ्टिंग का टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन कितना कम हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ 250 मिलीसेकंड, यानी कि 1/4 ऑफ अ सेकंड में गियर शिफ्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी क्विक और रिस्पॉन्सिव है, उसकी वजह से जो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है और क्विक हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं गाड़ी के परफॉर्मेंस से, तो एल्ट्रोज DCA की परफॉर्मेंस कैसी है, 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ ये वाला व्हीकल आपको ऑफर किया जाता है, जिसमें 83 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क है। पर ये तो हो गए फैक्ट्स एंड फिगर्स, एक्चुअल में पावर आपको कैसी मिलती है, एंड आई पर्सनली बिलीव कि नेचुरल एस्पिरेटेड इज मोर देन एनफ। बिल्कुल स्टार्टिंग जब आप जीरो स्पीड पर होते हो, आप बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हो, तब आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा रेंज देनी पड़ती है, बट वो पावर की वजह से नहीं है, वो कैलिब्रेशन की वजह से, तो इंजन वाइज आपको ऐसा कोई इशू वहां पर नहीं आएगा। बट अगर मैं ओवरऑल पावर की बात करूँ तो आई पर्सनली फील कि मोर देन इनफ है, टर्बो चार्ज इंजन लेने की भी ऐसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन दिस एल्ट्रोज, नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ एक बढ़िया आपको पावर जो है वो यहाँ पर मिल जाती है फॉर श्योर। नेक्स्ट वुड बी द ब्रेकिंग, ब्रेकिंग वाइज फ्रंट में डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक्स आपको ठीक मिल जाती है, 9 out of 10, नॉट दी बेस्ट इन द लॉट बट इट्स गुड इनफ, कम भी नहीं है। और उसके साथ साथ अगर हम परफॉर्मेंस ओवरऑल बात करें तो चलाने में कॉन्फिडेंस आपको प्रॉपर रहता है,
और आपको एक अच्छा पंची इंजन यहाँ पर मिल जाता है। इंजन में आपको किस तरह का कोई इशू नहीं रहता। हाउएवर NVH नॉइस वाइब्रेशन और हार्शनेस की यहाँ पर बात करें तब डेफिनेटली इंजन थोड़ा रिफाइंड होता तो अच्छा लगता, बिकॉज दिस इज अ 3 सिलेंडर इंजन एंड कॉम्पिटिशन में बलिनो i20 सब में 4 सिलेंडर इंजन आता है, तो उसकी जो आपको NVH लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं बेटर मिलते हैं, रिफाइनमेंट बेटर मिलती है। तो ये थोड़ा सा हार्श है इंजन, अंदर भी आपको आवाज़ आती है और मुझे भी इस टाइम पर थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ रहा है ताकि आप तक ऑडियो जो है वो अच्छी पहुंचे। अब बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन के बारे में, जो कि मेन यहाँ पर एस्पेक्ट है, तो वो किस तरीके की, किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है, किस तरह का डिले रहता है। तो सबसे पहले क्योंकि ये DCA है, ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, DCT सेम ही होती है टेक्नोलॉजी वाइज, तो आपको दिक्कत वहाँ नहीं आती है मेजरली, बिकॉज गियर शिफ्ट करने में बहुत कम टाइम लगता है। DCA का मतलब होता है कि ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक, इसका मतलब कि एक ही टाइम पे दो दो गियर इंगेज है। अगर आप सेकंड गियर पे गाड़ी चला रहे हैं, मतलब सेकंड गियर पर हैं, तो फर्स्ट और थर्ड ऑटोमेटिकली इंगेज रहते हैं ताकि फटाफट गाड़ी उस पर शिफ्ट कर सके ऑटोमेटिकली। तो वहाँ पर आपको एक बढ़िया क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है और 250 मिलीसेकंड्स लगते हैं एक गियर से दूसरे गियर में शिफ्ट होने में। फर्क आता है कि क्या आपको अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट फील होते हैं, तो मेरा मानना है बिल्कुल भी नहीं, वो आपको बिल्कुल भी फील यहाँ पर नहीं होते हैं। एंड इट रन्स वेरी एफिशिएंटली, बहुत स्मूथली गियर शिफ्ट होते हैं, आपको किस तरह का जो गियर शिफ्ट का चेंजिंग है वो बिल्कुल भी फील नहीं होती, चाहे गियर अप हो चाहे गियर डाउन हो। हाँ, आप इस ट्रांसमिशन को मैनुअली यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन है, सिर्फ इसको लेफ्ट साइड पे ऐसे कर दीजिए एंड अप डाउन आप यहाँ से कर पाएंगे। अभी 5th गियर है और ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक है, तो 6 तक मैं इसको लेके जा सकता हूँ। 7 DCT नहीं आता है इसमें, वो आपको i20 में ऑफर किया जाता है। बलिनो के साथ तो मैं इसे कंपेयर करूंगा नहीं, बिकॉज वो AMT है, तो वो प्रॉपर ऑटोमेटिक नहीं है। चलो अब बात करते हैं इसकी सस्पेंशन के बारे में, तो एक बढ़िया सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, बॉडी रोल भी बहुत कम है, आपको कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आपको बढ़िया एक स्टेबिलिटी मिलती है ऑन दी हाईवेज एंड आपको एक बढ़िया कॉन्फिडेंट राइड मिल जाती है। एंड पॉट होल्स तो पता भी नहीं लगता ज़्यादा, और आपको ज़्यादा अंदर आवाज़ भी उस चीज़ की नहीं आएगी। हाँ, इंजनली नॉइस फॉर श्योर, सस्पेंशन की नॉइस ऐसा ज़्यादा अंदर नहीं है, टायर नॉइस थोड़ी थोड़ी आपको अंदर आती है जब रोड खराब होती है, टायर मैक भी इतनी ज़्यादा नहीं है, कॉन्क्रीट पे आएगी, टाइल्स के ऊपर आएगी जब आप बेसमेंट वगैरह में जाओगे। बट अगर आप ओवरऑल हाईवे एक्सपीरियंस ड्राइविंग की यहाँ पर हम बात करें तो एक अच्छा आपको पैकेज यहाँ पर मिल जाता है। स्टीयरिंग, आपको फीडबैक कैसा मिलता है स्टीयरिंग का? फीडबैक स्टीयरिंग का बढ़िया है, सिटी में काफ़ी लाइट है इसका स्टीयरिंग, हाईवे पे थोड़ा सा हैवी हो जाता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ऐड होता है और आप बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस से ओवरटेक करते इजीली निकल जाते हैं। हाईवे पर एक और कॉन्फिडेंस चीज़ ऐड करती है, वो होती है इसकी बिल्ड क्वालिटी, आपको एक हाई स्पीड करते हुए टेंशन नहीं होती, गाड़ी काफ़ी स्टेबल भी रहती है, प्लास्टिक क्वालिटी से लेकर इसकी मेटल हाई स्ट्रेंथ स्टील जो यूज़ किया गया है, प्लस 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग तो आपको मिल ही जाती है क्रैश टेस्ट रेटिंग में 2 एयरबैग्स के साथ भी, हालांकि इसमें 6 नहीं आते हैं और ज़रूरत भी नहीं है एज सेट बाय टाटा, कि आपको सेफ्टी तो अच्छी मिल ही जाती है। ओवरऑल अगर मैं उसी सेफ्टी की बात कर रहा हूँ तो आपको हाईवे ड्राइविंग पे भी सेफ्टी वाली जो चीज़ है वो फील होती है, डोर की थर्ड्स में भी आपको वो चीज़ फील होगी। बात करते हैं इसके कंफर्ट की, तो सीट्स का कंफर्ट इज़ रियली गुड, काफ़ी सही साइज है इनका, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं, थोड़ा सा आपका वेट ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा इशू इस चीज़ का आएगा कि सीट्स की जो साइज़ है, विड्थ है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो शायद आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगे, बट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सीट्स, कंफर्ट, पैडिंग, सब कुछ आपको टॉप नॉच मिल जाता है यहाँ पर। अंडर थाई सपोर्ट भी आपको एक बढ़िया ऑप्शन मिल जाती है, बैक सपोर्ट भी अच्छा है, एक लंबा सपोर्ट भी थोड़ा सा मिल जाता है, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर स्लाइडिंग और राइट साइड पे भी प्रॉपर आर्मरेस्ट मिल जाती है, हालांकि ये कुशन्ड होती तो अच्छा लगता, इसके ऊपर सिर्फ क्लोथ चढ़ा हुआ है। बात करते हैं इसकी गाड़ी के माइलेज की, तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी माइलेज ऑफ 16 KMPL मिक्स्ड मिल जाएगी सिटी और हाईवे ड्राइव के साथ। हाँ, अगर आपकी हाईवे ड्राइविंग ज़्यादा है तो 2021 की माइलेज भी आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आप किसी रशी शहर में हो, यानी कि बैंगलोर, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली जैसे शहर में, तब आपको सिटी में माइलेज अराउंड 13-14 के आसपास बहुत आराम से मिल जाएगी। अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है तो डेफिनेटली आप 15-16 भी अचीव कर पाओगे। माइलेज वाइज इतना इशू नहीं आता इस गाड़ी में, आपको ठीक माइलेज अच्छी मिल जाती है, और सिर्फ NVH जो मुझे एक पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं फ़र्क है। अब टाटा एल्ट्रोस DCA को स्पेशल बनाते हैं इसकी प्राइस और उसी प्राइस में इसके फीचर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9.60 लाख में हम इसकी प्राइस कंसिडर करते हैं, पर क्योंकि 9.90 वाली तो है वो डार्क एडिशन की है, ये डार्क एडिशन नहीं है, तो 9.60 लाख उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम,
ABS प्लस EBD प्लस आपको ब्रेक्स वे कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ड्यूल एयरबैग्स आपको फीचर में करेंगे, 7 इंच की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 8 स्पीकर सिस्टम आपको कंप्लीट यहां पर मिल जाता है, ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी, 7 इंच की आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी प्रॉपर मिल जाता है प्रॉपर एनिमेशंस के साथ, और बहुत सारे ऐसे तमाम फीचर्स भी। फ्लैट फ्लोर भी मिलेगा, 345 लीटर्स की बूट स्पेस भी आपको यहां पर मिल जाती है, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है वो और ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। टाटा एल्ट्रोस की खास बात है इसके 90 डिग्री डोर्स, ये भी डेफिनेटली आपके काफ़ी काम आने वाले एक फीचर है। एम्बिएंट लाइटिंग अच्छी लगती है, 5-star सेफ्टी रेटिंग अच्छी लगती है। बट अगर कॉन्स की बात करें यहाँ पर, तो नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस यानी कि NVH लेवल इसके 3-cylinder इंजन की वजह से आपको थोड़ा सा बॉदर डेफिनेटली करने वाले हैं। और अगर हम कंपेयर करें विद एक i20 व्हीकल, तो उसके साथ साथ वायरलेस चार्जिंग और बड़ी टच स्क्रीन, सनरूफ और इस तरीके के जो फीचर्स है जो कि टर्बो चार्ज इंजन वाले वेरिएंट में, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा महंगे वाले वेरिएंट में प्राइस मिलती है, क्योंकि आई थिंक 3.5 से 3 lakh का ऑन रोड प्राइस का फ़र्क आएगा। तो उस चीज़ का ध्यान जरूर रख ली कि प्राइस में काफ़ी मेजर यहाँ पर फ़र्क है। बट आपको एक अच्छा i20 भी अपनी जगह अच्छा, बट आई थिंक वैल्यू फॉर मनी वाइज टाटा एल्ट्रोस एक बेटर ऑप्शन रहती है। अब आपके मेजर क्वेश्चन का आंसर कि क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, तो आई पर्सनली बिलीव दैट येस, अगर आप एक ऑटोमेटिक प्रॉपर ऑटोमेटिक हैचबैक सर्च कर रहे हैं तो टाटा एल्ट्रोस इज द राइट ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज i20 इज अ लिटल ओवर प्राइस्ड एंड कहीं ना कहीं उसके लुक्स भी मुझे कम अच्छे लगते हैं, हालांकि इसके भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट i20 कंपैरेटिवली आई थिंक दिस वन इज अ बेटर ऑप्शन। आपको बेटर सेफ्टी रेटिंग भी मिल जाती है, आपको प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो इतनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ प्राइस, काफ़ी कम प्राइस में उसके मिलता है। अभी मैं मानता हूँ कि ये वाली जो व्हीकल है ये टर्बो चार्ज नहीं बल्कि नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ इंजन के साथ आती है DCA इसकी, और i20 के केस में वो आपको टर्बो चार्ज के साथ मिलती है, बट फिर भी प्राइस का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस वजह से आई पर्सनली बिलीव कि आपको ये वाली व्हीकल कंसिडर यहाँ पर करना चाहिए। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द टाटा एल्ट्रोस DCA। उम्मीद है आपको वीडियो यहाँ तक देख ही लिए तो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करें, कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए हैं तो नीचे कमेंट जरूर कर दें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, अनटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।